नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। कुदरत का कहर जारी है, पूरा देश तबाह। जी हां दोस्तों, इतनी जबरदस्त अत्यंत भयानक बारिश हो रही है, जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रेबियल चक्रवात बेकाबू हो गया है, न्यूजीलैंड के अंदर इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। न्यूजीलैंड में ग्रेबियल साइक्लोन के चलते आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। न्यूजीलैंड के इतिहास में तीसरी बार ऐसा हुआ है जब आपातकाल की दोस्तों घोषणा कर दी गई है। साइक्लोन ग्रेबियल की वजह से कई जगहों पर भारी से अत्यंत भारी खतरनाक बारिश हुई है। भूस्खलन और विशाल समुद्री लहरों की खबर सामने आ रही है। ऑकलैंड और उत्तर पूर्व में इस चक्रवात का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। नॉर्थलैंड, ऑकलैंड और कुछ अन्य क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है। स्कूल लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है। सभी घरेलू उड़ानों को दोस्तों रद्द कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रूट में दोस्तों बदलाव किया गया है। इस चक्रवाती दोस्तों तूफान की वजह से न्यूजीलैंड में आम जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। कई जगहों पर बिजली गुल हो गई है, जिससे हजारों घर प्रभावित हुए हैं। चारों ओर हाहाकार मच रहा है, तेज रफ्तार से आंधी तूफान चल रहा है। बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है, यानी कि ब्लैक आउट हो गया है। इमरजेंसी मैनेजमेंट मंत्री काइरेन ने दोस्तों स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8:43 पर आपातकाल के हस्ताक्षर कर दिए हैं। आपातकाल की घोषणा से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस और विपक्ष के प्रवक्ता से बात की और दोनों ने ही आपातकाल की घोषणा के पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्री ने कहा कि आपात स्थिति है, तूफान की वजह से नॉर्थ आइलैंड के अधिकतर क्षेत्र बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। इस समय कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। बड़ी बड़ी दोस्तों इमारतें भी धराशायी हो गई है, इतनी जबरदस्त दोस्तों हवाएं चल रही है। साथ ही आपको लगातार भूकंप भी आ रहा है। अभी तुर्की और सीरिया के अंदर 30,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और उसके बाद तुर्की, सीरिया, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल के अंदर लगातार भूकंप आ रहा है। आज भी कई क्षेत्रों में भूकंप आया है और इस समय न्यूजीलैंड का हाल बेहाल है दोस्तों। 3 देशों के अंदर ब्लैकआउट हो गया है। इस समय दोस्तों कुदरत का कहर है, क्योंकि सौर तूफान भी चल रहा है। सौर तूफान के चलते कई देशों में भी भयंकर तबाही मच रही है। आप सभी से विनती है कि भारी बर्फबारी, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकले। वर्तमान में आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है कॉमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।